अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त कासिम, अरिबल एकेडमी में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खैर आफियत से रखे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं स्टेमिना के हवाले से, एनर्जी के हवाले से। तो जिन लोगों का स्टेमिना बहुत ज़्यादा वीक हो गया है, जो स्पोर्ट्स मैन है वो अपना स्टेमिना इंक्रीज़ करना चाहते हैं, या कोई किसी बीमारी या इन्फेक्शन की वजह से किसी का स्टेमिना जो है बहुत ज़्यादा कम हो गया है, यानी कि तो उसको हम किस तरह से इंक्रीज़ कर सकते हैं, बहुत ही होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा। तो नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत से ऐसे पेशेंट होते हैं जिनका यानी कि स्टेमिना बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। तो वो ज़रा सा भी काम करते हैं तो उनकी सांस फूलने लगती है, या बिल्कुल भी उनको जो है ना काम करने का दिल नहीं लगता, सुस्ती और काहली की हो जाती है स्टेमिना फूलने की वजह से। यानी कि फिर जाहिर सी बात है, जब उनकी सांस फूलती है तो फिर उनकी जो चाहत होती है काम करने की, लगन होती है, वो ख़त्म होती जाती है, जिसकी वजह से जो है फिर उनके अंदर सुस्ती आने लग जाती है। तो स्टेमिना जब कमज़ोर होता है तो ऑटोमेटिकली जो है वो आपकी जो है बॉडी जो है वो यानी कि कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, वीक होना शुरू हो जाती है और मज़ीद बीमारी का शिकार हो जाती है। जब जाहिर सी बात है आप बिल्कुल भी कोई काम नहीं कर पाएंगे या चल नहीं पाएंगे तो आपकी बॉडी कमज़ोर होना शुरू हो जाएगी। या ऐसे पेशेंट जो कि काफ़ी अर्से से कोई मेडिसिन ले रहे हैं, या डायबिटिक पेशेंट है जिसकी वजह से भी स्टेमिना कमज़ोर हो जाता है, या वो ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं लेकिन कर नहीं पाते स्टेमिना की वजह से, और या कर भी रहे होते हैं वह मुश्किल, तो उनको बहुत ज़्यादा थकावट या सांस फूलने की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है और उनको वीकनेस की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे स्पोर्ट्स मैन जो होते हैं, मतलब जो किसी स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते हैं, तो उनका अगर स्टेमिना, वो अपना स्टेमिना इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो मैं उनको आज बहुत अच्छी मेडिसिन बताऊंगा जिसका इस्तेमाल करके वो अपना स्टेमिना को बहुत आसानी के साथ और बग़ैर किसी साइड इफ़ेक्ट के, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है इंशाल्लाह, उसका आप इसको इस्तेमाल करेंगे 1 से 2 महीने तो आपका स्टेमिना जो है वो रिकवर हो जाएगा, आपके अंदर कुदरती जो एक स्टेमिना है वो बहाल हो जाएगा, जो आप यानी कि आपका स्टेमिना जो वीक हो चुका है, जो अपने ताकत कुव्वत को जो आप खो चुके हैं वो दोबारा से बहाल हो जाएगी और मज़ीद आपका स्टेमिना इंक्रीज़ हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं मेडिसिन की, कि आप कौन सी मेडिसिन ले सकते हैं आसानी से जिससे आप अपना स्टेमिना इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कोका 3 CH आप ले सकते हैं, होम्योपैथिक की एक बहुत अच्छी मेडिसिन है कोका 3 CH, याद रखिए कोका 3 CH ले लें और इसके 2 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम खाने के बाद इसको इस्तेमाल करें और इसको 1 से 2 महीने तक कंटिन्यू रखें, तो इंशाल्लाह आपको चंद दिनों में, 1 हफ्ते के अंदर आपको इसके रिज़ल्ट देखने को मिल जाएंगे और आपका जो स्टेमिना है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा और आपकी जो बॉडी में जो वीकनेस आ चुकी है, जो आप ज़रा सी भी सांस फूलने का एहसास होता है, चाहे वो किसी बीमारी की वजह से हो या कमज़ोरी की वजह से हो या किसी भी वजह से हो, तो इंशाल्लाह ये शिकायत जो आपकी दूर हो जाएंगी और इंशाल्लाह आपको इससे मुस्तकिल आराम मिल जाएगा। और जो स्पोर्ट्स मैन है वो अगर अपना स्टेमिना इंक्रीज़ करना चाहते हैं, इसमें कोई एस्टेरॉयड वगैरह कुछ भी नहीं है, आप इसको बेफिक्र होकर इस्तेमाल करें इस मेडिसिन को और इंशाल्लाह इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, आप 1 से 2 महीने इस्तेमाल करें तो आपका स्टेमिना जो है बहुत आसानी से इंक्रीज़ हो जाएगा और आपको 1 हफ्ते के अंदर ही आपको इसके रिज़ल्ट देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।